दोस्तों जो स्टार्टिंग पिक्चर है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इनमें से कौन सी फोटो 108 मेगापिक्सल वाली कैमरा से खींची गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अलग अलग स्मार्टफोन कंपनी कहती होगी कि मेरे पास 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। और वही बात करते हैं अलग अलग कंपनीज की, फॉर एग्जांपल एप्पल और गूगल पिक्सल, तो उनमें 12, 14 और 16 मेगापिक्सल के कैमरा होते हैं। तो क्या फ़ायदा है हमें गूगल पिक्सल ये सब लेने की वजह से, और क्या फ़ायदा है हमें 108 मेगापिक्सल लेने की वजह से, आज की इस वीडियो का मैं पूरा देखिए पूरी डाउट आपकी क्लियर होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शास्त्रा, वी आर वाचिंग टेक्नो फ्रेम सत्यम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि पहले पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स मतलब आपकी जो फोटो की पर्टिकुलर एरिया में जो लाइट जो स्प्रेड हो रही है उसको जो बड़ा करके ज्वाइंट कर ले तो वो आपकी एक फोटो बनती है, तो उस पर्टिकुलर लाइट को कहते हैं हम पिक्सल्स एरिया को। तो दोस्तों ये होती है पिक्सल्स। अब आप सोचते होंगे क्योंकि हर एक फोन कंपनी में कहती हैं 138 मेगा पिक्सल मतलब MP, इसका मतलब होता है कि वो कितना मेगा पिक्सल मतलब कितना पिक्सल्स तक उसकी जो क्लैरिटी है वो नज़र आने वाली है, साथ में जो लाइट जो मेंटेन कर रखी है फोटोग्राफर ने वो कब तक आप मेंटेन कर पाओगे उसी डिस्प्ले में। तो दोस्तों वही बात कहें हम नॉर्मल DSLR जो यूज़ करते हैं इनके पास होगा या फिर नहीं होगा तो उनको बता दो। तो DSLR आता है 16 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 18 मेगापिक्सल। पर आप सोचते होंगे कि DSLR तो बिल्कुल नहीं आता 108 मेगापिक्सल, तो फिर क्या फ़ायदा है DSLR लेने का। पर सबसे ज़्यादा अच्छी फोटो DSLR में आती है डिपेंडिंग ऑन फोन विदाउट एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, DSLR में इतनी अच्छी पिक्चर इतनी कम मेगापिक्सल पर इसलिए वजह से आ जाती है क्योंकि जो DSLR के जो सेंसर होते हैं बहुत बड़े दिखे गए होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से जो लाइट के होते हैं उसको अंदर करने देते हैं और उसकी वजह से आपकी वो फोटो है बहुत ज़्यादा जानदार और खूबसूरत नज़र आने वाली होती है। दोस्तों बताते हैं आपके फ़ोन के लिए, तो आपके फ़ोन के लिए जो पर्टिकुलर सेंसर है बहुत ज़्यादा छोटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वो तब आती है इंजीनियर्स की टीम जब उनको इतने छोटे से फ़ोन में इतना बड़ा सेंसर फिट करके लगाना होता है। वही बात करते हैं इन लोग बाइनरी की, जहाँ पे इन लोग 1 मेगापिक्सल में 4 मेगापिक्सल इंटू करके आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 108 मेगापिक्सल है तो आप इनको 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका मेगापिक्सल वाला फ़ोन का कैमरा होगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल यही चल रहा है, तभी इन लोग क्या करते हैं फ़ोन की कंपनी DSLR से भी ज़्यादा महंगा महंगा लेते हैं, 108 मेगापिक्सल 109 मेगापिक्सल, साथ में जो DSLR है उससे बेकार क्वालिटी भी आपको नज़र आती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ फ़ोन की कंपनी कैसे करती है, इस टेक्नोलॉजी का नाम है पिक्चर बाइनरी। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन ने खींचे सिर्फ 2 मेगापिक्सल से, पर रंता का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कन्वर्ट करके दिखाएगा 10 या 12 मेगापिक्सल, इससे सॉफ्टवेयर को कहते हैं पिक्चर बाइनरी। आजकल सारे फ़ोन के में आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। साथ में जो बता दूँ बहुत सारे लोग मेगापिक्सल्स के पीछे भागते हैं, तो बिल्कुल मत भागिए करिए, क्योंकि जो आपकी फ़ोटो की क्लैरिटी है वो बहुत सारे बेसिस में रहती है। फॉर एग्जांपल आपके कैमरा के लेंस, कैमरा की पोजीशन, लाइट की पोजीशन और आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसके वजह से आपको फ़ोन की फ़ोटो खींचने वाले हो। अगर आपका मेगापिक्सल ही अच्छा होगा पर आपका लेंस बेकार होगा, साथ में आपकी सॉफ्टवेयर है वो थोड़ी सी बेकार होगी, तो कैमरा की जो फ़ोटो है बहुत ज़्यादा घटिया साथ बेकार लगने वाली है। तो दोस्तों इसकी वजह से इन लोग ये फ़ोन की क्वालिटी में ये यूज़ करते हैं, इसकी वजह से आपकी जो फ़ोटो है बहुत ज़्यादा शानदार और मज़ेदार लग जाती है। अब दोस्तों बहुत सारी फ़ोन की कंपनी भी आती है, जब फॉर एग्जांपल मी 10 और सैमसंग की बहुत सारी कंपनी है, पर दोस्तों इनमें जो भी पिक्चर बाइनरी का काम करके ही आपके तरफ अच्छे से फ़ोन की ले आते हैं। पर दोस्तों बात करते हैं DSLR में, तो DSLR में एक चीज़ मात खा लेती है, लो लाइट कैमरा। बहुत सारे DSLR होते हैं जो लो लाइट में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि डे लाइट में अच्छी तरह से लाइट एंटर हो जाती है कैमरा के सेंसर में। वही बात करें लो लाइट में या अंधेरे में, तो उनमें प्रॉपरली लाइट नहीं आती, इसकी वजह से जो कैमरा है उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो पिक्चर को थोड़ा बेकार भी कर देता है। वही बात करें आपके स्मार्टफोन में, तो अगर आपके स्मार्टफोन है तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात होने वाली है लो लाइट कैमरा की, क्योंकि आपके जो स्मार्टफोन का जो कैमरा है उसमें जो सेंसर और साथ में जो सॉफ्टवेयर जो मिलके काम कर रहे हैं उसके वजह से वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन को भी फुल करके आपको दिखा देंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी लो लाइट कैमरा यूज़ करने में।
यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर भी लो लाइट में यूज करते हैं और उनके जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अमेजिंग खास आने लगे हैं। वो बात अलग है, जो लो लाइट के लिए अलग से कैमरा आते हैं और अलग से लेंस आते हैं, जिसकी वजह से हर एक लाइट पर्टिकुलरली उस कैमरे के सेंसर के अंदर जा पाए। पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, रियल के जो कैमरा होते हैं वो लो लाइट में बेकार परफॉर्म करते हैं, वही चीज में DSLR मात खा लेती है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये जो हम क्या जरूरत है हमें 108 मेगापिक्सल की फ़ोन को लेने की है, तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटो में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इनमें से एक फ़ोटो है जो बिल्कुल ही 16 मेगापिक्सल फ़ोन की कैमरा से लिए और एक है 64 मेगापिक्सल फ़ोन की कैमरा से लिए। पर दोस्तों दोनों के डिफरेंस आप देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही फोटोग्राफर और फोटो खींचने का ज़्यादा ही शौक है तो आप ले सकते हैं 108 मेगापिक्सल की फ़ोन, वरना आपको सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए कॉल या बिजनेस ईमेल देखने के लिए तो आप नॉर्मल से फ्लैगशिप फ़ोन भी ले सकते हैं, क्योंकि वही इन लोग सिर्फ मेगापिक्सल के दाम पे ही आपका जो फ़ोन की प्राइस है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं और आपको भी लगता है 108 मेगापिक्सल कैमरा मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटो आने वाली है। वही बात करें कि आपको अगर आप फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग में या आपको बहुत बड़ी फ़ोटो लेनी है तब आपको ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन में लेनी हो और कुछ ग्रास की लेनी है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। वही बात करें इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 16 मेगापिक्सल और हम 64 मेगापिक्सल की फ़ोन की कैमरा के ले लें तो दोनों फ़ोटो हम खींचेंगे, तो जब आप एक फ़ोन में जो जूम इन करते हैं 16 मेगापिक्सल वाले कैमरा के तो आपकी एक एक पिक्सल्स फटने लगती है, वो एकदम ब्लर सी हो जाएगी, आप अजीब से शेप्स बन जाएंगे स्क्वायर वाले। इसका मतलब कि आपका जो मेगापिक्सल कम है और उसमें बहुत कम डिटेलिंग दिखा रखी है, वो तो बात अलग है, आपको बड़ा से दिखाते हैं तो अच्छी से दिखती है पर अंदर तक कितना जाओगे वो बेकार होती जाएगी फ़ोटो। वही बात करें 64 मेगापिक्सल वाले कैमरा की, तो जैसे आप फ़ोन को फोटो को जूम करोगे तो जूम करते ही आपका जो फ़ोन है तो है बिल्कुल मेंटेन रहेगा, वही पुरानी वाली क्वालिटी, साथ में जो फ़ोन की जो क्वालिटी है अच्छे से मेंटेन रहेगी और जिसके वजह से आप अच्छे तरीके से कट पेस्ट करके भी फ़ोन को फोटो को क्रॉप करते भी आप अपने पिक्सल क्वालिटी को बिल्कुल भी लूज नहीं कर पाएंगे। ये फ़ायदा होता है हाईली मेंटेन मेगापिक्सल कैमरा की। दोस्तों बस वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई है मुझे लग रहा है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई, तो अभी तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में अगर आपको कोई डाउट या क्लेम आ रही है तो मुझे बता दीजिए नीचे दिए गए कमेंट्स में, हम आपको रिप्लाई ऑन द स्पॉट कर देंगे। दोस्तों बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मैंने देखा है आप में से बहुत सारे लोग देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करती तो प्लीज वो कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम सास्ता, यू आर वॉचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।